सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट टेक को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यार जो आप WhatsApp पे इमेज भेजते हैं यार किसी को, तो यार वो जो इमेज है तो उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। तो यार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है ओरिजिनल साइज में जो है इमेज को यार किसी को सेंड कर सकते हैं और वहां पे भी जो है ओरिजिनल साइज में ही पहुंचेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको नॉर्मल मोड में यार सेंड करके दिखा देता हूं। जितने जैसे आप सेंड करते हैं नॉर्मल इमेजेस को, तो यहां पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो 324 KB आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो यार मैं इतने सेंड कर रहा हूं इस इमेज को यार दूसरे बंदे को, तो यार इतने जो है इस वीडियो को जरूर जो है लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके की क्वालिटी टेक वीडियोज हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये फोटो हो गई सिलेक्ट और हम सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जो है ये फोटो जो है डिलीवर हो चुकी है। तो आप दूसरे को यार लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां पे आप जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आपको 54 KB की यार यहां पे देखने को मिल जाती है। मैं एक बार आपको जो है गैलरी में भी इसका साइज दिखा देता हूं, आपको वहां पे भी जो है साइज जो है यहां पे कुछ 70 KB का जो है साइज आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फोटो का साइज है यहां पे डिक्रीज होता है और क्वालिटी भी जो है यहां पे आपकी जो है व्हाट्सएप पे डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि आप जो है यहां पे आपको गैलरी के आसपास जो है आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। जब आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यार वहां पे जो है आप वहां से भी जो है इमेजेस को जो है सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी जो है इस तरीके से यहां पे जो है इमेजेस को चूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जाके। और यहां पे जब मैंने यार यहां पे जो इमेज है यार सेंड कर दी है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में और वहां पे जो है यार दूसरे फोन में देखते हैं कि रिसीव हुई या नहीं हुई है, यहां पे से डिलीवर हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यार यहां पे जो है इस फोन में डिलीवर हो चुकी है और मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूं आपको। डाउनलोड पे मैंने बटन पे क्लिक कर दिया है और यहां पे जो है डाउनलोड हो गई है। अब चलते हैं यार इसको ओपन करते हैं और जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में कि कितना साइज आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो आप जैसे कि यार यहां पे मैं प्रॉपर्टीज में आ चुका हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल 324 KB की जो इमेज थी वहां पे जो है ओरिजिनल क्वालिटी में गई है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से यार यहां पे वीडियोस वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा व्हाट्सएप पे वीडियो की क्वालिटी भी यार जो है लो डाउन हो जाती है, तो आप जो है यहां पे वीडियोस वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पे जो है लिमिट दे रखी है, आप 100 MB तक का जो साइज का डाटा है यार यहां पे सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, खाली आप जो है वीडियोस या फोटोज ही नहीं भेज सकते हैं, यहां पे आप जो है एंड्रॉइड APKs भी भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है तो आप डॉक्यूमेंट्स तो भेज ही सकते हैं, लेकिन यहां पे आप काफी सारी जो है अलग अलग फाइल्स भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेज सकते हैं। लेकिन मेक श्योर यार जो आपकी फोटो है या वीडियो है या फिर APK या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं यार वो 100 MB से ऊपर की ना हो, वरना अगर आपके 100 MB से ऊपर की होगी तो यार आपको जो है यहां पे एरर शो कर देगा और कहेगा कि यार 100 MB से आप जो है एक्सीडेड फाइल यहां पे नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिए नेक्स्ट जोन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोस आती रहेंगी।